राइट डाउन करना है, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू, डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू दे हैव सेम पोलराइजिंग पावर, दे हैव सेम पोलराइजिंग पावर, डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू दे हैव सेम पोलराइजिंग पावर। अब बात यह है कि पोलराइजिंग पावर किसको बोला जाता है, तो पोलराइजिंग पावर जो होता है चार्ज अपॉन साइज के रेशियो को बोला जाता है, चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज के रेशियो को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। और अच्छे से समझाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो एक बात समझ लो कि लिथियम और यहाँ क्या होता है मैग्नीशियम, लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप इसके साथ होता है, तो इनका चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो होता है, अगर हम चार्ज के बारे में बात करें तो लिथियम में प्लस वन चार्ज होता है और मैग्नीशियम पे प्लस टू चार्ज होता है, इसका चार्ज कितना आया प्लस वन। अब ऐसे अगर नॉर्मल सोचो तो लिथियम और मैग्नीशियम में बड़ा कौन होगा, साइज में बड़ा कौन होगा मैग्नीशियम। तो देखो यहां चार्ज और यहां साइज, और इसका अगर हम चार्ज अपॉन साइज का रेशियो ले तो यहां प्लस टू, यहां साइज क्या आएगा थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा ना साइज, लेकिन ये वैल्यू बढ़ गया, साइज भी ज्यादा और ये वैल्यू भी ज्यादा, तो इन दोनों का रेशियो लगभग एक रेशियो के बराबर आता है। ये चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो होगा लिथियम का, वो चार्ज अपॉन साइज का रेशियो किसके लिए मैग्नीशियम का, ये रेशियो लगभग इस रेशियो का क्या होगा बराबर, इसीलिए दोनों में प्रॉपर्टीज क्या होता है मैच करता है। लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होता है मैग्नीशियम, तो इनका चार्ज अपॉन साइज का रेशियो और इसका चार्ज अपॉन साइज का रेशियो क्या होता है इक्वल, दैट्स व्हाई दे हैव ए डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप किसके वजह से क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना डायगोनल रिलेशनशिप। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है, क्यों है चार्ज अपॉन साइज का रेशियो सेम है, इसको पोलराइजिंग पावर के नाम से जानते हैं। क्लियर, तो लिख लेना, लिख लिए ना। अब हमें थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इनका जो प्रॉपर्टीज सेम होता है, तो ऐसा नहीं कि सारा प्रॉपर्टीज सेम हो जाएगा, कुछ ही प्रॉपर्टीज सेम होगा, तो हम जानना चाहेंगे कि वो प्रॉपर्टीज कौन कौन से है जो सेम होंगे। इसलिए डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू बिकॉज दे आर पोलराइजिंग पावर आर सेम, यानी पोलराइजिंग पावर बोले तो चार्ज अपॉन साइज का रेशियो दोनों एलिमेंट्स के लिए सेम होता है। ठीक है, तो ये लगभग खत्म होने के बाद ना हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पेपर इस बार पेपर है तुम लोग का, सिलेबस मिल गया केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ठीक है, लेवल वन और लेवल टू तैयार कर लेना, डाउट आएगा तो मैं डाउट लूंगी। मार्क्स पेपर नहीं, लेवल वन लेवल टू, हाँ पहले अच्छे रटना मत, रट लिए इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये,
क्वेश्चंस को बनाना ईमानदारी से, ठीक है, ताकि आगे तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो सके। ये नहीं कि मार्क्स आ गया तो बहुत खुश हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम उसको कैसे, इसलिए मैं बोलता हूँ बनाओ उसको क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हम बातें करते हैं कि आखिर जब डायगोनल रिलेशनशिप है तो हम बोलते हैं कि बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम, बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप अल्मोनियम के साथ है, तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज से मैच करता है। कौन कौन से प्रॉपर्टीज मैच करता है तो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखना कि बीईओ यानी बेरिलियम ऑक्साइड एंड Al2O3 एक्ट एज ए एम्फोटेरिक, एक्ट एज ए एम्फोटेरिक। बीईओ एंड Al2O3 एक्ट एज ए एम्फोटेरिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? हाँ, एम्फोटेरिक का मतलब होता है जिसके पास डुअल करेक्टर हो, यानी ये एसिड की तरह भी अपने आप को ट्रीट कर लेगा और ये अपने आप को बेस की तरह भी ट्रीट करेगा। अगर मान लो एसिड के साथ रिएक्शन करवाया गया बेस बीईओ के साथ, तो बीईओ क्या बोलेगा, हम क्या है, बेस है। अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाया गया बीईओ के, तो ये बीईओ क्या बोलेगा, तो सम टाइम इट बिहेव लाइक ए बेस एंड सम टाइम बिहेव लाइक ए एसिड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एम्फोटेरिक। तो बेरिलियम के ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है और अल्मोनियम के ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। क्लियर? तो ये पॉइंट जो है वो मैच करता है, यानी जो हमने बोला कि ये इसके डायगोनल रिलेशनशिप में, तो इसका ऑक्साइड और इसका ऑक्साइड दोनों का ऑक्साइड ट्रीट एज ए एम्फोटेरिक, बिहेव लाइक ए एम्फोटेरिक। ये पहला प्रॉपर्टीज मैच किया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिख लिए तुम लोग। नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे बेरिलियम कार्बाइड, Be2C, इसको बोलते हैं बेरिलियम कार्बाइड, राइट डाउन कर लेना, बेरिलियम कार्बाइड Be2C। बेरिलियम कार्बाइड CARBID, बेरिलियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड एंड अल्मोनियम कार्बाइड Al4C3, इसको बोलते हैं अल्मोनियम कार्बाइड Be2C एंड Al4C3 प्रोड्यूस मीथेन, प्रोड्यूस मीथेन CH4 ऑन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शन विथ वाटर, उसको हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। तो बेरिलियम कार्बाइड एंड एल्युमिनियम कार्बाइड बोथ रिएक्ट विथ वाटर, That means it will be hydrolyzed, then it produce methane. यानी दोनों का कार्बाइड, इसका कार्बाइड और इसका कार्बाइड, दोनों का कार्बाइड को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मीथेन प्रोड्यूस होगा। क्या समझ में आया? क्लियर? डाउट नहीं है ना? तो और भी प्रॉपर्टीज हो गए वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारे को इतना ही है, ठीक है, ये पूछा जाएगा तो बताना। कुछ यहां पर बॉक्स में एम्फोटेरी का नाम लिख लेना, कहीं पर अगर आता है आर्सेनिक AH2O3, आर्सेनिक का ऑक्साइड
एंटीमोनी का ऑक्साइड, टेरेलियम का ऑक्साइड, जर्मेनियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, अल्मोनियम के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, BEOH ऑक्साइड बोलो या हाइड्रोक्साइड बोलो, ये इतने जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो बेरिलियम के ऑक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, अल्मोनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, जर्मेनियम का ऑक्साइड, टेरिलियम का ऑक्साइड, एंटीमोनी का ऑक्साइड और आर्सेनिक का ऑक्साइड, ये ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, और तुम जानते हो कि CO, NO और N2O ये किस तरह के ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड। CO, NO और N2O is known as neutral oxide. CO, NO and N2O known as neutral oxide. तो amphoteric याद रखोगे, neutral याद रखोगे। Metal के oxide क्या बनाते हैं? Metal का oxide क्या बनाते हैं? Basic. और non-metal का oxide क्या बनाते हैं? तो इस तरह से हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं ऑक्साइड को। कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, कुछ ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होंगे, कुछ ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होंगे और तीन केवल ऑक्साइड वो न्यूट्रल होंगे। तो चार कैटेगरी बनता है, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। तो आपको ये लिमिटेड है, एम्फोटेरिक लिमिटेड है और न्यूट्रल लिमिटेड है, इसको याद रखने का। बाकी एसिड और बेस वो ऐसे ध्यान में रखने का कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक बनाते हैं और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड बनाते हैं। चलो अब लास्ट पॉइंट है एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड। ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक है, बाकी सब हो गया। तो लास्ट पॉइंट लिखो एनोमेलस। एनोमेलस का मतलब होता है डिफरेंट बिहेवियर, यूनिक बिहेवियर। एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड, एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड। एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड, एनोमेलस का मीनिंग क्या हुआ, यूनिक बिहेवियर बोल सकते हो या डिफरेंट बिहेवियर बोल सकते हो। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ये है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। अगर नीचे हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनका बिहेवियर सेकेंड पीरियड से अलग होता है। तुम लोग मेरे को एक दो बताओ कि ऐसा कौन सा बिहेवियर तुम्हें दिख रहा है कि सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड से अलग बिहेवियर दिखा रहा है, यूनिक बिहेवियर दिखा रहा है, डिफरेंट बिहेवियर दिखा रहा है, जो बाकी दिखा रहे हैं और ये नहीं दिखा रहा। एक दो बताओ मेरे को, अभी तक पढ़ा चुका हूं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया हूं, उसमें से सोच के बताओ कि अब इसी पे सोच के बताओ। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, बेरिलियम और मैग्नीशियम में कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट है, अलग है,
हाँ रेडियो साइज नहीं, रेडियो साइज में तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही होता है, प्रॉपर्टीज रेडियस और साइज जो है वो पीरियोडिसिटी हो गया ना। ये थोड़े बोलो कि इसका साइज अलग है, इसका ये यूनिक बिहेवियर है, ये बिहेवियर में आएगा बताओ। और बेरिलियम बिहेव लाइक इनर्ट व्हाइल एमजी बिहेव, बोथ सॉलिड, दोनों सॉलिड है तो डिफरेंट क्या हुआ, किसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोमीडियम यूनिक नहीं है। अभी अभी एक बताया तुम लोग, देखो कैसे डिफरेंट बिहेवियर दिखा रहा है। बेरिलियम के जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक होता है, और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है। एक मेटल है ना, तो इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, इसका ऑक्साइड बेसिक हो, ये एम्फोटेरिक नहीं हो सकता है। बाकी जो भी ग्रुप होंगे, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम, इन बाकी का भी जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक होगा, लेकिन इसका बेसिक नहीं है, तो ये अपने ग्रुप से डिफरेंट है। कौन है श्री गुरु 50 बार मैसेज कर रहा है, गधे एकदम, कहाँ कहाँ से तुमको पकड़ के लाए। बेरिलियम सेकेंड पीरियड में है पर एमजी थर्ड पीरियड में है। ये यूनिक बिहेवियर है। बिहेवियर क्या बोलेंगे, बेरिलियम का ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है, केवल थर्ड से नहीं बाकी से भी अलग होना चाहिए। लेकिन अगर तुम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम का ऑक्साइड देखोगे तो सब किस नेचर का होंगे, बेसिक, लेकिन ये किस नेचर का है, तो ये यूनिक बिहेवियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ। बेरिलियम का मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है, मैक्सिमम 4, लिखवाया था, लिखवा के दिया हूं। बेरिलियम का मैक्सिमम वैलेंसी 4 होता है, लेकिन Mg में नहीं होगा, Mg में 4 नहीं होता। अब उस पे नहीं आ रहा तो इस पे ध्यान दो। नाइट्रोजन का मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है, चार, और फास्फोरस का, तो इसका वैलेंसी 4 है, 5 नहीं है, लेकिन इसका 5, तो ये डिफरेंट बिहेवियर है। बाकी मेंबर का भी 5 ही होगा। हम साइज के अकॉर्डिंग, पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं बोलेंगे कि सेकेंड पीरियड में थर्ड पीरियड में ये साइज बड़ा, ये सब हम बोलेंगे वैलेंसी के रिगार्डिंग, इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, इसका बेसिक है, इस टाइप से बोलेंगे। क्लियर। आगे भी जब पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग तो तुम्हें बताएंगे कि नाइट्रोजन जो है केवल और केवल 3 बॉन्ड बनाता है और एक कोऑर्डिनेट 4, लेकिन ये 5 बॉन्ड बनाता है। अब देखो तुम लोगों को थोड़ा समय बता दे रहा हूं कि ये 5 वैलेंसी क्यों हुआ और ये 3 वैलेंसी 4 वैलेंसी क्यों हुआ। तो थोड़ा समय इसको नॉर्मली समझाने के पर्पज से नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में मैं टीच करूंगा, बस ऐसे थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि है क्या। ये फॉस्फोरस में हो जाएगा 1H2, 2H2, 2P6, 3H2 और 3P3। देखो यहां पर ये 2H2 और 2P3 है, इसको अगर तुम लिखोगे तो 2H2 और 2P3 है, हाँ 3 है, यही 3 बॉन्ड बनाता है। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उतना बॉन्ड बनाता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड नहीं बनाता है। इसमें क्या होता है कि यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन, अब 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इसमें क्या है, 3p के बाद क्या आता है, 3d आता है,
यानी कि भरते समय थ्री थ्री थ्री, यानी कि थ्री पी के साथ फोर एस भरते हैं, भरने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, थ्री सब थ्री ऑर्बिट में थ्री एस भी होता है, थ्री पी भी होता है, थ्री डी भी होता है, थ्री डी खाली पड़ा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जंप मारता है, इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तुम लोग बोलते हो ना सर ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, वो केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे। तो अब यहां पर कितना अनपेयर्ड हो गए बताओ, एक दो तीन चार पांच, पांच अनपेयर्ड, तो इसलिए पांच बॉन्ड बनाता है। क्या यहां पर थ्री डी है, नहीं, क्या टू में टू टू में डी आता है, यहां टू डी लिख सकते हम, तुम बोलो सर थ्री डी क्यों नहीं लिखो, हम ऑर्बिट नंबर टू में ही है, तो क्या ऑर्बिट नंबर टू में टू डी आता है, नहीं, ऑर्बिट नंबर थ्री में थ्री डी आता है, तो यहां पर हम जंप करा देते हैं और बॉन्ड एक्सपेंड हो जाता है, बॉन्ड ज्यादा बनने की कोशिश होता है, हो भी जाता है, लेकिन यहां पर टू डी नहीं होता है। और इसी के वजह से जो सेकेंड सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनका यूनिक बिहेवियर होता है बाकी एलिमेंट से। क्या समझ में आया, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का यूनिक बिहेवियर इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें 2d जो ऑर्बिटल्स है वो नहीं होता है, जबकि थर्ड पीरियड या बाकी पीरियड में 3d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से वो एक्स्ट्रा बॉन्ड भी बनाता है, वैलेंसी भी ज्यादा हो जाता है। टू एस टू टू पी, हाँ नहीं, अब इसमें जब है ना तो सब में रहेगा, जब इसमें खाली है ना तो सब में खाली रहेगा, केवल इसमें खाली नहीं होता, केवल टू में, आगे जितना ही बढ़ोगे ना तो और खाली मिलेगा, केवल इसमें तो थ्री डी नहीं मिला, बाद में और जितना आगे भरते जाओगे ना और खाली मिलता जाएगा, लेकिन इसमें खाली नहीं मिलता है, और ये इसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो लिखो एनोमेलस बिहेवियर इज ड्यू टू, एनोमेलस बिहेवियर इज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, अब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन सेकेंड पीरियड, अब्सेंस ए बी ए सी एन सी, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट वी एस सी एन टी, वैकेंट डी ऑर्बिटल, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन सेकेंड पीरियड, इन सेकेंड पीरियड। अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन सेकेंड पीरियड, सेकेंड पीरियड में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है जबकि थर्ड पीरियड में होता है, इसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ड्यू टू मैं लिख रहा हूं, सेकेंड पॉइंट लिखना ड्यू टू में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहला है अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन सेकेंड पीरियड, सेकेंड है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड है स्मॉल साइज, और फोर है चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो। अब ध्यान से समझना, हम तुम्हें लिख लिए चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो, अब ध्यान से समझना, मैं तुम्हें क्या टीच कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि सेकेंड पीरियड जो है वो थर्ड पीरियड से यूनिक बिहेवियर दिखाता है, मैं ये नहीं बता रहा हूं क्या यूनिक दिखाता है, मैं ये बता रहा हूं क्यों यूनिक दिखाता है। आप बताएंगे क्या यूनिक दिखाता है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज जो है वो यूनिक होते हैं। अभी हम बता रहे हैं कि सेकेंड पीरियड हैज एनोमेलस बिहेवियर देन थर्ड पीरियड,
वाई, हम वाई का आंसर ले रहे हैं, ड्यू टू किसके वजह से यूनिक बिहेवियर दिखा रहा है, किसके बिहेवियर, किसके वजह से यूनिक बिहेवियर दिखा रहा है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इनका इलेक्ट्रोनिविटी ज्यादा होगा, हो सकता है कि ये भी रीजन हो, चार चार रीजन लिखवाए ना ड्यू टू में, हो सकता है पहला भी रीजन हो सकता है कि दूसरा भी रीजन हो, और तीसरा रीजन क्या लिखवाया, स्मॉल साइज, और चौथा रीजन चार्ज अपॉन साइज के रेशियो, ये इनका बिहेवियर डिफरेंट होने का वजह मैं लिखवाया, कारण ड्यू टू लिखवाया, अब हम लिखवा रहे हैं क्या क्या डिफरेंट है, तो पहला पॉइंट लिखो लिथ, अब हम यहां से क्या लिख रहे हैं कि क्या क्या बिहेवियर डिफरेंट है, तो लिखना लिथियम एंड बेरिलियम, इस पॉइंट में मत लिखना, अलग से पॉइंट लिखना, लिथियम एंड बेरिलियम लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड वेयर वेयर रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, वेयर रेस्ट of the member, where rest of the where rest of the member of this group form ionic bond, form ionic bond, क्या लिखे, लिथियम एंड बेरिलियम फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन बाकी जो मेंबर होते हैं सोडियम पोटेशियम रुबिडियम मैग्नीशियम कैल्शियम, वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ग्रुप या पीरियड, ग्रुप में, तो जो लिथियम और बेरिलियम होता है कौन सा बॉन्ड बनाता है, जबकि बाकी जो मेंबर होते हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, समझ में आया क्या, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, वेयर सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम कैल्शियम रुबिडियम स्ट्रोंशियम सीजियम और बेरियम फॉर्म, तो डिफरेंट बिहेवियर हुआ कि नहीं हुआ, अब तुमसे पूछा जाएगा कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और ये सब आयनिक बनाते हैं तो उसका रीजन क्या है, तो उन्हीं चारों में से कोई एक रीजन देंगे, और इसका रीजन होता है स्मॉल साइज, तो बाद में केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे तुम्हें, बात क्लियर हो गई, आईपी एड्रेस निकालो क्या, आईपी एड्रेस निकालो, एक मिनट रुक गया, क्या समझ में आया राम सर, इसमें दो जो है वो फेक आईडी से वो लॉगिन हुआ है, एक नवीन बेले के नाम से और एक श्री गुरु के नाम से, उसको रिमूव कर दीजिए और आईपी एड्रेस निकालिए इसका, एक सरनवी बेले के नाम से, हट गया क्या, और एक है श्री गुरु के नाम से, इसको मत हटाइएगा, तो एक तो इसका ओरिजिनल आईडी है ना,
रीजन है स्मॉल साइज, वो बाद में बताएंगे साइज, ठीक है। जो रीजन है ना वो चार में से दी देना है। तो पहला एनोमेलस बिहेवियर क्या बोलोगे, बेरिलियम एंड लिथियम है फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, वेयर रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आयनिंग बॉन्ड, बिकॉज बेरिलियम है ये स्मॉल साइज, इसके वजह से थोड़ा सा भी रटने जैसा हो जाएगा वो, बाद में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे ना तो बता देंगे क्यों ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन थर्टीन ग्रुप मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ बोरॉन इज 4, मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ बोरॉन इज 4, मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ बोरॉन इज 4, वेयर रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, वेयर रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप शो SHOW लिखना, शो 6 मैक्सिमम 6 वैलेंसी, मैक्सिमम 6 वैलेंसी। यानी अगर बोरॉन फैमिली में चेक करो, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, तो बोरॉन का मैक्सिमम वैलेंसी 4 होता है, जबकि बाकी मेंबर का मैक्सिमम वैलेंसी 6 होता है। तो दिस वन विल बी यूनिक बिहेवियर, एनोमिलस बिहेवियर। रीजन क्या है, इन्हीं चारों में से कोई एक रीजन होगा, समय के साथ हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म पी पाई बॉन्ड, ऐसे लिखना पी पाई। ये सब कहां पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। व्हाट इज पी पाई, पी पाई अभी पूछना मत, आगे पढ़ाएंगे हम, बस लिखने के लिए भी लिख लो। इट फॉर्म पी पाई बॉन्ड वेयर अदर मेंबर फॉर्म, वेयर अदर मेंबर फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड, वेयर अदर मेंबर फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड, वेयर अदर मेंबर फॉर्म पी पाई डी पाई बॉन्ड। अब ये पी पाई डी पाई क्या है आगे समझेंगे। जैसे एग्जांपल से थोड़ा सा बता दे रहा हूं, नाइट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में दो बॉन्ड होता है, तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ऑक्सीजन होल्ड टू बॉन्ड, वन इज सिग्मा एंड अदर इज पाई, इस पाई का जो नाम होता है पी पाई होता है। अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है दोनों, तो कभी पी पाई और डी पाई नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो क्या होगा, अगर मान लो एन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, बोथ बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, तो ये अगर सिग्मा है और ये पाई है, तो ये जो पाई का नाम होगा पी पाई और पी पाई होगा, डी पाई नहीं हो सकता है, क्योंकि बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। लेकिन अगर एक सेकेंड पीरियड का है और एक थर्ड पीरियड का है, तो इसमें पॉसिबल है कि ये पी पाई और डी पाई बनाए, ये सेकेंड पीरियड का और ये थर्ड पीरियड का, तो ये जो पाई होगा हो सकता है कि ये, यानी सेकेंड पीरियड में सेम एलिमेंट हो या डिफरेंट एलिमेंट हो, अगर वो एलिमेंट सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है तो वो ऑलवेज होल्ड है पी पाई बॉन्ड, नेवर फॉर्म पी पाई डी पाई, क्योंकि डी होता ही नहीं है तो बनाएगा कहां से, सेकेंड पीरियड में डी होता है क्या, जब होता ही नहीं तो बनाएगा कहां से, वो बराबर है क्या। और
अगर सेकेंड थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो वो बना सकता है, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल्स होता है। तो ये बात तो समझ में नहीं आया होगा पी पाई डी पाई क्या होता है, लेकिन ये तो बात समझ में आया होगा ना कि सेकेंड पीरियड वाला केवल पी और पी पाई बनाएंगे और थर्ड पीरियड वाला पी पाई और डी पाई बनाएंगे। बात क्लियर हो गया? चलो इस तरह से अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फिनिश हुआ। तो होमवर्क लिख लो, आपको लेवल वन और टू, लेवल वन और टू क्लास वर्क और होमवर्क कर पूरा कंप्लीट करके लाना है, ठीक है? पूरा कंप्लीटेड चाहिए, जो नहीं आएगा राउंड कर देना, मैं डाउट लेंगे। नहीं नहीं, जैसे कि अगर जो लॉजिकल है तो जैसे मैं सॉल्व करता हूँ ना वैसे करो, तुम कहीं भी कर सकते हो, रफ बुक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि उसका प्रॉपर नोटबुक बनाना है, ठीक है? तुम्हें दो साल पढ़ने हैं, तुम्हें स्टार्टिंग में लगता है कि नोटबुक बनाने ही, कहीं भी क्वेश्चन बना सकते हो, दिमाग में रखना है बहुत सारी चीजें। ये टेंथ क्लास नहीं है कि लिमिटेड सिलेबस है, तुम्हें दो साल का सिलेबस, तुम एक महीना बाद तुमसे पूछा जाएगा कि नोटबुक कहाँ है प्योरिटेबल का, मालूम चला गया कबाड़ के पास चला गया है, ठीक है? तो उसको क्वेश्चंस बनाने का मतलब ये हुआ कि तुम अगर वॉल्यूम के क्वेश्चन बनाते हो, तुम कहीं बनाओ, पेंसिल से तुम अपने जो जेरोक्स लिया उससे भी बनाओ, चलता है, उस पर भी जेरोक्स पे पेंसिल से बनाओ, नो प्रॉब्लम। तुम्हें बस उसका क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो उसका आंसर निकालने आना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। पाई का नेक्स्ट में समझाएंगे, पाई का भी कोई वो नीड नहीं, बस इतना ध्यान रखना इसके पास डी नहीं होता है तो पी पाई और डी पाई नहीं बना सकता है। तो कल लेवल वन और टू बना के लाना है। नेक्स्ट चैप्टर आई विल स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग, राइट डाउन हेडिंग केमिकल बॉन्डिंग। तो मैं इस पे नोटबुक पे, अगर इसी पे पेज बचा हुआ है तो 10 पेज स्किप कर दो, 10 पेज बैक टू बैक स्किप करो, और इसी पे लिखना है तो लिखो, नहीं तो नया नोटबुक पे लिखो। 10 पेज इसलिए स्किप करने के लिए बोल रहा हूं कि आगे चल के जब तुम क्वेश्चंस बनाओगे केमिकल बॉन्डिंग का, सॉरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तुम्हें क्वेश्चंस मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, और उस कॉन्सेप्ट को तुम्हें उस लिखने के लिए पेज में स्किप करवा रहा हूं। और नहीं तो स्टिकी नोट्स पे कॉन्सेप्ट लिखा करो, शॉर्ट नोट्स, सिनोप्सिस लिखना है, सिनोप्सिस अभी नहीं लिखना है, आफ्टर फर्स्ट वी कंप्लीट योर लेवल वन एंड लेवल टू क्वेश्चंस, पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो अच्छे से, रटना नहीं है, आंसर नहीं याद करना है, कॉन्सेप्चुअली करो, और जो उसमें यूनिक चीजें तुम्हें मिलता है कि नहीं इसको हमें आगे चीजें, इसको हमें नेक्स्ट टाइम के इसको रिवाइज भी करना है ना, तो इस टॉपिक को क्वेश्चंस बनाने के बाद ऐसे इसका सिनोप्सिस बनाओ कि जब तुम बाद में रिवाइज करो इसको तो वो चीजें एट वन ग्लांस में तुम्हें चीजें रिवाइज हो जाए, तुम्हें उस समय ज्यादा टाइम एक्सपेंड ना करना पड़े उस चीजों पे। तो क्वेश्चन एमसीक्यू बनाने के बाद सिनोप्सिस लिखोगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं बीच में उसको स्टिकी नोट्स पे वहीं चिपका देना, एलनिक अलग दीवार में मत चिपका देना, फिर मालूम चलेगा दो साल बाद दीवार वो कलरफुल हो गया है। तो वहीं पर नोट्स चिपका देने, बराबर है क्या? ये जो स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, ऐसे उनका प्रिपरेशन होता है। और वॉल्यूम के क्वेश्चन जो भी नहीं कि तुम एक एक क्वेश्चन लिख के बनाओ, तुम पेंसिल से भी जेरोक्स ले लो उस पर बना सकते हो, तुम्हारा मेन टारगेट ये है कि जब तुम्हारा एमसीक्यू आए एग्जाम में तो उसको मार्क्स आना चाहिए तुम्हारे। ये समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, सिनोप्सिस, स्टिकी नोट्स पे भी यूनिक यूनिक कॉन्सेप्ट लिखने हैं। ये सब इसलिए करना है कि आने वाले दिनों में जब हम रिवाइज करेंगे एक महीना बाद दो महीना बाद, तो हमें चीजें एक बार में ही हो, यानी कि पढ़ने बैठे बाद में जब एक महीना बाद केमिकल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ने बैठे तो कुछ समझ ही नहीं क्या लिखे थे, क्या हो गया, क्या कि ऐसा नहीं होना, उसको अच्छे से कंक्लूड करना है, सिनोप्सिस करना है। और सिनोप्सिस से स्टार्टिंग में ज्यादा फोकस नहीं, पहले क्वेश्चंस बनाओ उसके बाद सिनोप्सिस लिखना है।
क्लियर? और राइट डाउन, स्टिकी नोट्स कब लिखोगे? जब तुम्हें यूनिक कॉन्सेप्ट मिलेगा तब लिखोगे ना, पढ़ते समय अगर यूनिक कॉन्सेप्ट मिले तो उसी समय लिख लेना है, उसको स्टिकी नोट पे चिपका देना है। स्टिकी नोट पे कितना चीजें लिख पाओगे? एक से दो, एक मिले तो एक लिखो, दो मिले तो दो लिखो, एक या दो से ज्यादा लिख सकते हैं क्या स्टिकी नोट पे? तो इस तरह से केमिकल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन फर्स्ट टॉपिक अपना संपला। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक अपना केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग ये तुम लोग गोडाउन से मटेरियल ले लिए, किस ये नहीं मिला जेरोक, इसका पीडीएफ मिला है ना? इसका पीडीएफ नहीं मिला है तुम लोगों, बोलोगे झूठ तुम लोग, इसका पीडीएफ भेजा नहीं हूं मैं। एक गधे सब नो नो बोलता है, जो मैं पीडीएफ भेजा हूं इसी का पीडीएफ हो, जो तुम्हें मैं पीडीएफ बनाते हो जिससे, वो इसी का पीडीएफ है। वो एटॉमिक रेडियस वाला बनाते हो ना कि नहीं बनाते हो? महिला है, दिखाना पीडीएफ तो मोबाइल लाए हो। पीडीएफ जो मैंने भेजा है ना, जिससे पिछला बार तुम्हें क्वेश्चन आया था रेडियस का, वही पीडीएफ इसी का है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का है ना, उसका जेरोक्स निकाल लो, 10 पेज है लगभग, 10-12 पेज, जेरोक्स निकाल लो। जेरोक्स निकालो तो पीडीएफ से पढ़ने से ज्यादा बेटर होगा, जेरोक्स निकाल लो, जेरोक्स पे बना लो, ठीक है? और ज्यादा ज्यादा ये हो तो नोटबुक उस जेरोक्स को चिपका दो, बाद में स्टेपलर कर दो, तो जेरोक्स निकाल लो। लेवल 1 और 2 आप बनाओ पहले, ठीक है? और इसके बाद हम अब स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर उस पेज उस नोटबुक पर लिख रहे होगे तो 10 पेज स्किप कर देना, अगर उस पे उस नोटबुक पे नहीं लिख रहे हो फिर स्किप करने कोई रिक्वायरमेंट नहीं। समझ में आया? स्किप करने क्यों बोल रहा हूँ मैं? सिनोप्सिस हुआ, कोई यूनिक क्वेश्चन हुआ, बाद में अगर हम पढ़ रहे हैं मिल रहा है तो उसको हम राइट डाउन करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना केवल काम नहीं है, पढ़ने के साथ साथ उसको हमें कंक्लूड भी करना है। तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का अभी पीडीएफ भेज दूंगा, अभी कोई नीड नहीं है, जितना मैं पढ़ाऊं उतना ही से पढ़ो, ठीक है? यानी कि बुक और रामायण महाभारत लेके नहीं बैठ जाना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही अच्छे से पढ़ना, उसी को बार बार रिवाइज करना। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग ये जो है इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। दिस वन इज ए पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक, और ये नीट लेवल और जेई लेवल से बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग नीट में हर साल इस टॉपिक से बहुत ज्यादा वेटेज वाला ये टॉपिक है, 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है, और नीट में जेई में कम से कम 2 क्वेश्चन मिनिमम। और ये जो क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग ऐसा टॉपिक है, ये पढ़ोगे तो इनऑर्गेनिक तभी स्ट्रांग होगा, और ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ोगे तब, क्योंकि फिजिकल में न्यूमेरिकल है और इन इनमें ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में लॉजिकल है। क्लियर? तो 5 से 6 क्वेश्चन नहीं तो इसका वेटेज ज्यादा है, गेट आउट है। स्टार्ट करें ना टीच करना, तो बताओ मेरे को केमिकल बॉन्डिंग क्या है, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा, नाम से भी क्लियर हो रहा है। केमिकल बॉन्डिंग क्या दिमाग में आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग किसको बोलते हैं? बोलो केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि प्रॉपर डिफिनेशन बोलो हमें, क्या समझ पा रहे हो? नो नीड टू प्रॉपर डिफिनेशन। केटाइन और एनायन कंबाइंड होते हैं, बॉन्ड बिटवीन टू एटम, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वेरियस कंस्टिट्यूएंट, रिएक्शन बिटवीन केटाइन एंड एनायन, बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट एलिमेंट केमिकली, अट्रैक्शन ऑफ बॉन्ड। ध्यान दो, पहले समझाता हूं फिर लिखवाता हूं। अब यहां पर मान लो कि ऑक्सीजन के बारे में बात करें, तो ऑक्सीजन एयर में इस फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में होता है। O2 के फॉर्म मतलब दो एटम है, यानी ये ऑक्सीजन एटम इस ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड है। मान लो हमने बात किया NaCl, तो NaCl बनाया जाता है, यानी इस Na प्लस में और इस Cl माइनस में कोई एक बॉन्ड बना हुआ है, दोनों में एक अटैचमेंट है, एक अट्रैक्शन है, तभी एक दूसरे के पास है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन एक ग्लू का काम कर रहा है कोई। अब मान लो इस मार्कर को हमें दोनों को अटैच करना है तो ग्लू लगाना पड़ेगा इसमें, तो वो ग्लू एक बॉन्ड टाइप का है, तो बॉन्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बॉन्ड जो है एक टाइप का अट्रैक्शन है जो दो एटम को एक दूसरे को कंबाइन करके रखता है। अगर हम वाटर के बारे में बात करें तो वाटर में बॉन्ड ऐसा होता है, यानी ये ऑक्सीजन एटम इस हाइड्रोजन एटम से क्या है, कंबाइन है। इस हाइड्रोजन में और इस ऑक्सीजन में क्या है, एक अटैचमेंट है, एक अट्रैक्शन है, और ये अट्रैक्शन जो है एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ऐसे थोड़ा जुड़ जाएगा कि ऑक्सीजन गया इसके पास अटैच हो गया। सोचो एक एटम दूसरे एटम के साथ अगर अटैच करना है तो उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। When one cation is combined with another anion, then one force of attraction is developed in between cation and anion, and that attraction is known as bonding, यानी जो glue का काम कर रहा है, फेविकॉल का काम कर रहा है। When two atoms are combined to each other, जब दो एटम combined है एक दूसरे के साथ, इसके मतलब दोनों के बीच में एक attraction लग रहा है जो दोनों को बाइंड करके रखा हुआ है, और उस अट्रैक्शन को हम बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स का, अब तुम बोलते हो कि सर वाटर लिक्विड फॉर्म में, वाटर और वाटर, लिक्विड और लिक्विड में अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है। तो यहां पर जो हम वाटर और वाटर में बात कर रहे हैं, ये इस वाटर में बोलते हो ना कि गैसियस फेज में मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, सॉलिड में और ज्यादा होता है। तो यहां पर वाटर और वाटर के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है। तो ये जो तुम अट्रैक्शन के बारे में बोल रहे हो, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में देख रहे हो, तो ये अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हम बता रहे हैं, ये अट्रैक्शन वाटर में यानी दो एटम के बीच में देख रहे हैं। हियर टू एटम आर अटैच टू इच अदर, एंड हियर
टू मॉलिक्यूल्स आर अटैच टू इच अदर, और यहां हम केटाइन और एनायन के बारे में देख रहे हैं, यानी केटाइन किस तरह से एनायन के साथ अटैच है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केटाइन और एनायन के बीच में देख सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम के बीच में देख सकते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में देख सकते हैं। यानी केमिकल बॉन्डिंग, यानी केमिकल बॉन्डिंग इज नथिंग बट अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन केटाइन और एनायन में हो सकता है, ये अट्रैक्शन दो एटम में हो सकता है, और ये अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स में हो सकता है। जैसा अट्रैक्शन होगा वैसा हम नाम देंगे। अगर केटाइन एनायन के बीच में होगा अट्रैक्शन तो आयनिक बॉन्ड का नाम देंगे, दो एटम के बीच में होंगे तो कोवेलेंट का नाम देंगे, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगे तो मॉलिक्यूलर फोर्स के नाम देंगे, दो मेटल के बीच में होगा तो मेटालिक बॉन्ड का नाम देंगे। तो जैसा अट्रैक्शन वैसा नाम, लेकिन ये अट्रैक्शन हम दो एटम के बीच में देख रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में देख रहे हैं, और दो केटाइन और एनायन के बीच में देख रहे हैं। दैट अट्रैक्शन इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, यानी बॉन्ड ऐसे भी हम बोलते हैं कि हमारा उसका बॉन्डिंग अच्छा है, यानी हमारा उसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, बोलते हैं ना। तो बॉन्डिंग इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू केटाइन एंड एनायन, टू एटम एंड टू मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू मॉलिक्यूल्स। तो हम बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो डिफाइन कैसे करेंगे, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग इज डिफाइन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी बाइंडिंग फोर्स है, ये दो चीजों को बाइंड करके रख रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग फोर्स बिटवीन, किसके बीच में अट्रैक्शन होता है, बिटवीन केटाइन एंड एनायन, बिटवीन केटाइन एंड एनायन, बिटवीन टू एटम, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है दो, एक केटाइन एनायन के बीच में हो सकता है, दो एटम के बीच में हो सकता है, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम केमिकल बॉन्डिंग को हम बोल सकते हैं कि आयनिक, अगर दो केटाइन और एनायन के बीच में होगा तो आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, अगर दो एटम के बीच में होगा तो कोवेलेंट के नाम से जानते हैं, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो मॉलिक्यूलर फोर्स के नाम से जानते हैं, और ये मॉलिक्यूलर फोर्स के नाम पे अलग अलग टाइप बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें अलग अलग नाम दिया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल अट्रैक्शन तीसरा होता है, वैन डर वाल फोर्स
और भी होता है आयंस डाइपोल अट्रैक्शन, आयंस इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो इस तरह से टू मेटल के बीच में होगा तो क्या बोलेंगे, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड जो होता है, अगर एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है तो उनके बीच में अगर जो अट्रैक्शन होता है वो आयनिक होता है। अगर दोनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, दोनों मिलके वाटर बनाते हैं, तो वाटर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। यानी नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा फोर्स होगा, कोवेलेंट। और मेटल और मेटल के बीच में कौन सा होगा, मेटल और मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड होगा। तो इस तरह से हम अलग अलग बॉन्ड का नाम देते हैं। मॉलिक्यूलर फोर्स है, ये मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग टाइप के होंगे। यानी कुल मिला के जो दो के बीच में बॉन्डिंग होता है वो बॉन्डिंग या तो दो, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में हो सकता है। तो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा तो आयनिक होगा, अगर दो नॉन मेटल के बीच में होगा तो कोवेलेंट होगा, और एक दो अगर मेटल के बीच में हुआ तो मेटालिक होगा, और मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो इतने टाइप के फोर्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन और वैन डर वाल फोर्स। तो हम स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड से, और ये पूरा आयनिक बॉन्ड तो कम पढ़ना है, हमें कोवेलेंट ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो लगभग तुम्हें ये 20 से 25 दिन चलेगा। दिस वन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये कंसेप्चुअल है, ठीक है, कंसेप्ट बेस पे है। तो आगे बात करें, सर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं, हैं? फिजिक्स में होता है। ये लिख लिए सामने। तो ये चीजें क्लियर हो गया, बॉन्डिंग किसको बोला जाता है। चलो अब आयनिक बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड कौन कौन बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या कंडीशन है, आयनिक बॉन्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, ये सब चीजें हम डिटेल स्टडी कर। सर पकड़ रहे हो, ज्यादा हो गया क्या, ज्यादा पढ़ा दिया। चलो हेडिंग डालो आयनिक बॉन्ड, राइट डाउन हेडिंग आयनिक बॉन्ड। यहां से हम सब कुछ डिटेल जानेंगे, विच वन विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड, विच वन विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, हाउ टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, हाउ टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर लूज और गेन, अब देखो यहाँ पे तुम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने तुम्हें बताया था कि सम एलिमेंट लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। कुछ जो एलिमेंट होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो बताओ अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है वो एलिमेंट, तो मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, मेटल होगा, होगा ना, क्योंकि मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, लूज करना। यानी वो मेटल क्या हो सकता है, एस ब्लॉक का, क्योंकि एस ब्लॉक क्या होल्ड करता है, मेटल।
हम लिखेंगे पहला पॉइंट यहां से लिखते चलेंगे कि सम एलिमेंट का मतलब ये मेटल का बोल दिया, सम एलिमेंट लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट सम एलिमेंट लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और एग्जाम्पल के साथ भी लेके चलेंगे, सोडियम तुम्हें मालूम होगा कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम प्लस बना, अब इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो एक चीज हम यहां पर कमेंट ये करेंगे कि सोडियम प्लस इज स्टेबल, ये स्टेबल है, लेकिन हम एक कंडीशन बोलेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, ये ऑक्टेट के अकॉर्डिंग स्टेबल है, लेकिन कोई भी एलिमेंट के ऊपर एक चार्ज होता है, वो चार्ज एक बोझ की तरह होता है, वो नहीं चाहता है कि तुम्हें वो हमारे ऊपर बोझ रहे। जैसे तुम बैठ के यहाँ पढ़ रहे हो और तुम्हारे ऊपर सर के ऊपर 5 kg बोझ रख दिया जाए तो तुम स्टेबल फील करोगे नहीं, तो वहीं पर एक चार्ज जो है एक बोझ की तरह होता है। तो कोई भी एलिमेंट नहीं चाहता कि हमारे ऊपर चार्ज हो, उसके अराउंड इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होने से उसके अंदर अनस्टेबिलिटी आती है। तो ये चार्ज नहीं चाहता है, बट दिस वन इज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज, चार्ज नहीं चाहिए। तो हम यहां पर स्टेबिलिटी दो टाइप से बता रहे हैं, ऑक्टेट के अकॉर्डिंग और चार्ज के अकॉर्डिंग। अब यहां पर हम सेकेंड पॉइंट पे आएंगे कि सम एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब यहां मुझे बताओ कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता हो क्या होता है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता हो क्या होता है, मेटल। एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन, जो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ है अगर ये गेन हो गया तो क्या बन जाएगा, Cl-। तो Cl- का ऑक्टेट क्या हो गया बताओ, कंप्लीट। तो दिस वन इज स्टेबल अकॉर्डिंग टू, बताओ स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, हुआ कि नहीं हुआ है। बट क्लोरीन माइनस इज अनस्टेबल क्यों अनस्टेबल है, अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू चार्ज, यहां अकॉर्डिंग छूट गया है, अकॉर्डिंग टू चार्ज क्योंकि अगर मान लो स्टेबल हो जाता तो रिएक्शन करने जाता नहीं, क्योंकि उसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो फिर रिएक्शन क्यों कर रहा। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज हुआ और ये गेन हुआ, ठीक है। अभी ये सोडियम प्लस परेशान है और क्लोरीन माइनस परेशान है, क्यों परेशान है, इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज नहीं चाहिए, तो इसको हम केटायन का नाम देंगे और इसको हम एनायन का नाम देंगे। अब ये परेशानी दूर करने के लिए एक दूसरे के साथ ये अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे के पास आएंगे और यहां पर NaCl कंबाइंड हो जाएगा और ये जो चार्ज है वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी NaCl के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, यानी दोनों अटैच हो जाएंगे, इनके बीच में एक अटैचमेंट हो जाएगा और चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, और ये बॉन्ड अपोजिट चार्ज के बीच में बना है, केटायन और एनायन के बीच में बना है, सम एलिमेंट लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, केटायन,
और सम एलिमेंट कंप्लीट देयर ऑक्टेट टू गेन देयर इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्टेट, तो क्या बनेगा एनायन। तो ये केटायन और एनायन एक ही कंटेनर में होंगे तो केटायन और एनायन पे क्या होगा, चार्ज अपोजिट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो दो अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के, एक दूसरे के पास में आए, ये चार्ज किस में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड में, दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड, यानी दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अटैच हो गए, बाइंड हो गए। सोडियम एंड क्लोरीन आर बाइंड टू इच अदर, पहले अलग अलग थे अब बाइंड हो गए। बाइंड होने का मतलब यहाँ पर एक अट्रैक्शन का काम हुआ है, अट्रैक्शन का नाम क्या देंगे, तो डिफाइन कैसे करोगे, हाउ टू डिफाइन एनी बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन, सिंपल सा बात है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन, अब ये केटायन एनायन कैसे बना होगा, लूज और गेन से, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया। अब देखो यहां पे दो चार्ज के बीच में फोर्स है, तो फिजिक्स में पढ़ोगे कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तुमसे पूछा जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम बताओ, तो तुम बोलोगे इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का नाम क्या बोलोगे और बॉन्ड का नाम क्या बोलोगे, क्योंकि आयन से मिलकर बना हुआ इसलिए हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और इसके वजह से आयनिक बॉन्ड को एक और नाम से जानते हैं, आयनिक बॉन्ड को हम एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, चार्ज की वजह से। तो आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या ये बातें क्लियर हो गया, तो बताओ आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, दो मेटल के बीच में कि दो नॉन मेटल के बीच में, कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में, एक मेटल और एक नॉन मेटल क्यों चाहिए, क्योंकि एक केटायन बनना है एक को, क्या केटायन केटायन बॉन्ड बना सकते हैं क्या, सेम चार्ज वाला क्या होंगे, रिपल्सन, इसीलिए केटायन और एक एनायन चाहिए। तो आयनिक बॉन्ड नाम क्यों पड़ा, आयनिक यानी आयंस के बीच में, आयंस बोले तो अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज बोले तो केटायन और एनायन, क्लियर हो गए बातें। तो जो केटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, और बॉन्ड का नाम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, बोथ आर सेम। तो आयनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या क्या समझ में आया, देख लो समझ लो, डाउट है तो बोलो, आगे नहीं पढ़ाएंगे, हो गया ना, अभी आगे पढ़ाए, नेक्स्ट क्लास में आगे टीच करेंगे, ठीक है, कहाँ जा रहे हो।